नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। छोड़ा भाजपा का साथ, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि नगर निगम चुनाव में उनकी पार्टी अकेली उतरेगी। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि राजग सरकार में उनका दल गठबंधन सहयोगी बना रहेगा या नहीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा के साथ कोई भी रहे लेकिन राज्य में परिवर्तन आएगा। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उद्धव ने शिवसेना के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए अपने आक्रामक भाषण में खादी ग्राम उद्योग के कैलेंडर में महात्मा गांधी की तस्वीरें नहीं छापने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर प्रकाशित करने के मुद्दे को भी उठाया। उपनगर गोरेगांव में सभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुझे भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता का फोन नहीं आया। शिवसेना 50 साल पुरानी है, हालांकि गठबंधन में हमारे समय के 25 साल सबसे खराब रहे। हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा भाजपा की सराहना की। शिवसेना का जन्म सत्ता के लिए नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई भी शिवसेना को कमजोर आंकने की भूल करेगा तो हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा पर शिवसेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पार्टी प्रमुख ने कहा कि आगामी निगम चुनाव में शिवसेना गठबंधन नहीं करेगी। हम अकेले के दम पर महाराष्ट्र में भगवा फहराएंगे। केंद्र और महाराष्ट्र की राजग सरकारों में शिवसेना गठबंधन सहयोगी है, वही ब्रह्मवाई महानगर पालिका में वह सत्तारूढ़ है। दो दशक से भी अधिक समय से निगम पर शिवसेना का भाजपा के साथ गठबंधन में कब्जा रहा है। ठाकरे ने अपने तीखे भाषण में कहा कि शिवसेना बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने को तैयार है और उसे ऐसे सिपाहियों की जरूरत है जिन्हें पीछे से वार करने की बजाय सामने से हमला करने का साहस हो। ब्रह्मवाई महानगर पालिका के साथ नासिक, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत राज्य के 10 नगर निगमों के लिए चुनाव 21 फरवरी को होने हैं। राज्य की 25 जिला परिषदों के लिए चुनाव दो चरणों में 16 और 21 फरवरी को होंगे। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर दिखी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत। पहले टी20 वनडे में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। देश में मौसम का बदला मिजाज, बर्फबारी, तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। छेड़छाड़ के आरोप के बाद मेघालय के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा। साध्वी जयश्री गिरी के पास मिला खजाना, 1.25 करोड़ नगद, 2.5 किलो सोना जब्त।